नमस्कार दोस्तों, सर्वांगासन का अर्थ उसके नाम से ही समझ आने लगता है। एक ऐसा आसन जो सभी अंगों के लिए बना हो। यदि आप कसरत नहीं कर पाते हैं या योग करने के लिए भी ज़्यादा समय आपके पास नहीं होता है तो दिन में एक बार सर्वांगासन का अभ्यास अवश्य करें। सर्वांगासन करने के कई सारे लाभ हैं। महिलाओं के लिए तो यह आसन वरदान है। कई सारी समस्याओं का समाधान इस आसन के अभ्यास से हो जाता है। शुरुआत में आप इसे दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। प्रतिदिन अभ्यास करने पर यह एकदम उत्तम ढंग से होने लगेगा। तो आइए सबसे पहले सर्वांगासन के महत्वपूर्ण फायदों के बारे में जानते हैं। सर्वांगासन थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करता है तथा उसका पोषण करता है। दिल की मांसपेशियों को सक्रिय करता है और शुद्ध रक्त को दिल तक पहुंचाता है। बांझपन और गर्भपात जैसी समस्याएं दूर होती है। मासिक धर्म संबंधी परेशानियां दूर करता है। कब्ज से राहत देता है और पाचन क्रिया को सक्रिय बनाता है। थकान और दुर्बलता को दूर करने में भी यह आसन बेहद लाभकारी है। हाथों व कंधों को मजबूत बनाता है और पीठ को अधिक लचीला बनाता है। अधिक रक्त पहुंचाकर मस्तिष्क का पोषण करता है। मोटापा कम करने में सहायता करता है। सर्वांगासन करने का तरीका। दरी या कंबल बिछाकर पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाकर 90 अंश तक लाए। बाहों और कोहनियों की सहायता से शरीर के निचले भाग को इतना ऊपर ले जाए कि वह कंधों पर सीधा खड़ा हो जाए। पीठ को हाथों का सहारा दे। हाथों के सहारे पीठ को दबाएं। कंठ से ठुड्डी लगाकर लंबी गहरी सांस लें और जितना समय तक संभव हो आसन में रहें। फिर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में पहले पीठ को जमीन से टिकाए, फिर पैरों को भी धीरे धीरे सीधा करें। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी युक्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।